हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस वीडियो में। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। दोस्तों, इस समय हम लोग अलजेब्रा में बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है विलोपन विधि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि, ओके। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, विलोपन विधि होती क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ओके, याद रहेगा। चलिए आते हम लोग एग्जाम्पल पे, समझते हैं पहले इसको विलोपन में क्या होता है। याद रखिए, इसे हम यहाँ पे देखो, प्रतिस्थापन हमने क्या देखा था, प्रतिस्थापन में हमने देखा था कि भैया वहाँ पे हमको दो समीकरण की ज़रूरत पड़ती थी, राइट, ओके। तब जाके हम लोगों ने क्या हल किया था, प्रतिस्थापन विधि, राइट। तो इसमें भी याद रखिए, इसमें भी विलोपन में भी आपको दो समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पर हम ले लिया 3x प्लस 2y बराबर 10 और 2x प्लस 5y बराबर 3। इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर एक, इसको दे दीजिएगा नाम समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब इसको हल कैसे करना, आपको विलोपन विधि से, राइट। तो विलोपन में करना क्या होगा, देखिए जरा सा, हमको इधर नहीं देखना गिनती की तरफ, हमको देखना है x x में देखना है, वाई वाई में देखना, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग करना क्या होता है विलोपन में, याद रखिए विलोपन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आपको बराबर करना होता है। कहने का मतलब ये कि x को x वाले से बराबर करना पड़ेगा और y को y वाले से बराबर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कितना x है, 3x है, यहाँ पे कितना 2x, बराबर तो है ना। यहाँ पे यार इसको देखो, यहाँ पे 2y, यहाँ पे कितना 5y, ये भी आपका बराबर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, एक को बराबर करना पड़ेगा, चाहे एक्स को एक्स वाले से बराबर करो, चाहे वाई को वाई वाले से बराबर करो, ठीक, एक को बराबर करने पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें से चलिए हम लोग बराबर करते हैं किसको, एक्स वाले को। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, अगर इसमें हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर, 2 3 6 हो जाएगा। इसमें हम अगर किससे गुणा कर दें, यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर दें, 3 2 6 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 3 6, यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर दें, 3 2 6, ठीक है, तब जाके आपस में बराबर हो जाएंगे। आ रहा समझ में, इसी टाइप को करना है विलोपन विधि। अगर बराबर नहीं हो तो एक को बराबर करना है बस, चाहे एक्स को एक्स वाले से बराबर कर लो, चाहे वाई को वाई वाले से, एक को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है आपको। चल हम बराबर किसको करेंगे, एक्स वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि भैया समीकरण एक में कितने से गुणा करेंगे, 2 से, राइट। समीकरण नंबर एक में 2 से तथा इसमें 2 वाले में तथा 2 में कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 2 6, यहाँ लिखना पड़ेगा 2 में 3 से गुणा करने पर, क्लियर है, ये कर दिया हमने, लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि भैया एक में कितने से गुणा करने पर, 2 से, एक वाला कौन सा निकल, ये ना आपका 2 से गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा। याद रखिए 2 से जो गुणा हम लोग करेंगे ना, इसके पूरे परिवार में करेंगे, इसका पूरा परिवार कहाँ तक काम करता है, यहाँ तक इसका पूरा परिवार है, ठीक है। तो 2 से जो हम लोग गुणा करेंगे, इसके पूरे फैमिली में आपको करना पड़ेगा 2 से गुणा, ठीक है, ओके। चलिए करिए जरा सा, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस लगा लीजिएगा, 2 2 4y हो जाएगा बराबर 2 3 20 हो जाएगा आपका, हो गया गुणा। फिर यहाँ हमने क्या लिखा था कि 2 में 3 से गुणा करने पर, 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 वाला आपका ये है, 3 से गुणा करने पर, ठीक। हमने क्या बताया, पूरे में करना पड़ेगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, केवल यहाँ पे नहीं करना आपको, पूरे में करना पड़ेगा, पूरे परिवार में इसके। चलिए करिए, 3 2 ये 6x हो जाएगा, ये प्लस लगा लीजिएगा, 3 5 15y हो जाएगा, और 3 3 ये 9 हो जाएगा आपका। ये करने के बाद इतना करना, ठीक है, ये स्टेप हो गया। आपको लाइन खींचना पड़ेगा, क्या खींचना पड़ेगा, लाइन खींच दो यहाँ पे, याद रखिए स्टेप, बराबर करने पर आपको फिर लाइन खींचना पड़ेगा। अब कौन सा बराबर है यहाँ पे, एक्स वाला बराबर है ना, 6x यहाँ पे, 6x यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या बताया था, ये प्लस में, ये प्लस में है ना, इसका साइन क्या है, देखो चिन्ह क्या, दोनों का सेम है ना। जब कोई भी गिनती बराबर हो, राइट, और उनका चिन्ह सेम हो तो आपस में नहीं कटते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर समझाएं आपको कि भैया 2 - 2 कितना आंसर आएगा, 0 आएगा ना, आ रहा समझ में, ठीक, क्यों, क्योंकि सेम संख्या है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। और सेम अगर यहाँ पे ले लें हम लोग x - 6, तब कितना आंसर आएगा आपका, तब भी 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम है, और किस में चिन्ह का, इनका प्लस माइनस है, ठीक है। सेम होंगे या प्लस माइनस में होंगे तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएंगे, मतलब ये कट जाएंगे, इसका मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे।
देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो छेक से, यहाँ पे छेक से, यहाँ पे दोनों में क्या चिन्ह सेम है ना, तो जब चिन्ह सेम होगा तो कहाँ कटेंगे, जीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ लिखना पड़ेगा आपको घटाने पर, क्या लिखना पड़ेगा घटाने पर, ये कब होगा जब चिन्ह सेम रहेंगे, ठीक है ना, तब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा घटाने पर, ओके। चलिए हमने क्या लिखा घटाने पर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ प्लस है ना, देखो यहाँ पे छिपा है प्लस, दिखता नहीं यहाँ पे प्लस है यार, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जो प्लस होगा हो जाएगा माइनस, ये क्या प्लस है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, राइट। ये क्या आपका प्लस है ना, सामने कोई चिन्ह हो तो वहाँ प्लस होता है, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये छेक्स है, छेक्स प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे ना, हो जाएगा कट जाएंगे ना, सेम हो गए चिन्ह का अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये आपका कट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, अब ये क्या है प्लस चार वाई, अब आपको ये चिन्ह नहीं देखना, ये वाला चिन्ह देखना, ये माइनस पंद्रह वाई, ये माइनस पंद्रह से चार घटाओ कितना बचेगा, ग्यारह वाई बचेगा आपका, ठीक है। संख्या कौन सी बड़ी है इसमें, पंद्रह बड़ी है, सामने कौन चिन्ह माइनस का, तो माइनस में आंसर आएगा, ये बराबर लगा लो। अब यहाँ देखो ये प्लस में, ये माइनस में, बीस में से ना हो जाएगा कितना बचेगा आपका, ग्यारह बचेगा ना, ये हो जाएगा आपका। अब हमने क्या बताया था कि भैया वेरिएबल्स को आपको अकेले करना, तन्हा करना होता, ठीक है। ये जो ग्यारह यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो ग्यारह चिपका हुआ है ना, इसको भैया हटाओ, यहाँ भैया तुम चले जाओ, ठीक है, ये हमारा एरिया है। तो वेरिएबल्स बोले कि भैया आप यहाँ से जाओ, ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो ग्यारह इधर गुणे में इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस को भी लेते आएगा, ठीक है। अब ग्यारह से ग्यारह कट जाएंगे ना, ग्यारह से ग्यारह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बताया, जब सब कुछ कट जाए तो वहाँ पर आंसर कितना आता है, एक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस लगा दीजिएगा, आ गया मान, अभी पूरा नहीं है भैया, ठीक है। अभी तो हमने क्या निकाला, वाई का मान, ठीक है। हमको क्या चाहिए, एक्स का मान भी निकालना होगा, ठीक है। ये वाई का मान हम कहाँ रखेंगे, याद रखिए, जो वाई का मान जो आए ना आपका, इसको आप चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। मर्जी आप, जिसमें मर्जी आपकी, चाहे जिसमें रख दो, ठीक है। चलिए हम रख देते हैं किसमें, एक में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि भैया वाई का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, वाई का मान समीकरण, ये शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समीकरण एक में रखने पर, रख दें एक, क्या है आपका ये वाला समीकरण, इसको लिख दो यहाँ पे, क्या है, क्या है आपका, तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर दस, ओके, आ रहा समझ में। अब क्या है, क्या निकाला हमने, y का मान माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे y दिखे वहाँ पे क्या रख दो, माइनस वन। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, तीन एक्स प्लस दो, यहाँ पे उड़े लगा लें, ठीक है, क्योंकि दो एक अचर एक चर है, ठीक है। जब कोई बीच में कोई चिन्ह वहाँ पर गुड़े का चिन्ह होता है, यहाँ पे गुड़े लगा लीजिए। वाई का मान क्या निकाला हमने, माइनस वन, तो यहाँ पे रख दो माइनस वन, बराबर क्या हो जाएगा आपका, दस है ना, यहाँ पे दस कर दो, ठीक है। ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, तीन एक्स, दो एक कम दो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बराबर दस। हमने क्या बताया, गिनती का एरिया, गिनती का इलाका उधर होता है, ठीक है, राइट हैंड में, तो इसको राइट हैंड तरफ भेज दो। तो तीन एक्स ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, दस पहले से यहाँ पे है, इसको उधर बुला लो, प्लस दो हो जाएगा आपका, तीन एक्स बराबर क्या, दस दो बारह हो जाएगा आपका, ठीक है, हो जाएगा ना, तीन एक्स बराबर बारह हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे तीन गुणे में इधर आएगा तो भाग में, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बारह बटे तीन, ठीक है, तीन चौक बारह, कितना आंसर आ जाएगा, एक्स बराबर का आ जाएगा चार, ठीक है। ऐसा हम लोग करते हैं विलोपन विधि को, आ रहा समझ में, कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमने किया यहाँ पे, और इधर का ये पोर्शन में यहाँ पे किया था, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, ये हमने किया था, और फिर हमने इतना ये हल किया, डन, ओके। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल आपका कुछ ऐसा है, पाँच एक्स प्लस दो वाई बराबर बारह, और आपका एग्जाम्पल है चार एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह, राइट। इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, ठीक है। हमने क्या बताया था भैया, एक को बराबर करना पड़ेगा आपको, एक बंदे को बराबर करना पड़ेगा, चाहे एक्स को एक्स वाले से बराबर कर दो, चाहे वाई वाई वाले को बराबर कर दो, ठीक है। यहाँ पे कितना एक्स, पाँच एक्स है, यहाँ पे चार एक्स है, बराबर नहीं है आपका, यहाँ पे दो वाई, यहाँ पे तीन वाई, ये बराबर नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे हम लोग बराबर करेंगे एक्स वाले को, कर दें बराबर, कोई दिक्कत नहीं, आप वाई वाले को भी, वाई वाले को भी आप बराबर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, हम चार से गुणा कर दें, चार पंचे बीस हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम पाँच से गुणा कर दें, पाँच चौको बीस हो जाएगा बराबर, ओके, आ रहा समझे। ये अपनी तरफ से आपको गेस करना है, ठीक है, किससे बराबर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे से कर दें हम लोग, चार से गुणा चार पंचे बीस हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कर दें पाँच से गुणा पाँच चौको बीस हो जाएंगे बराबर। याद रखिए पूरे परिवार में करना पड़ेगा गुणा, नहीं केवल इसमें करके छोड़ दो, नहीं, पूरे में करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, पूरे परिवार में। चलिए करते हैं, हमने यहाँ पे क्या निकाला कि भैया समीकरण
एक में कितने से गुणा करना है, चार से, एक में चार से तथा दो में पाँच से, तथा दो में पाँच से गुणा करने पर। आए समझे, हमने यहाँ पे क्या लिखा भैया, एक में चार से गुणा करो, एक वाला कौन है आपका है समीकरण एक, चार से गुणा करो, चार पंचे ये बीस हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस से प्लस लगा लो, चार दूनी आठ वाई हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करो चार से, बारह चौक ये आपका अड़तालीस हो जाएगा, हो गया यहाँ पे। अब हमने क्या लिखा, दो में पाँच से गुणा करने पर, ठीक है, दो वाला आपका ये समीकरण है, पाँच से हमने कहा पूरे में करना पड़ेगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ना कि इसमें करके छोड़ दो, गलत हो जाएगा आपको, पूरे में करना पड़ेगा, पाँच से करो, पाँच चौको ये बीस हो जाएगा आपका, प्लस लगा लो, पाँच त्याई पंद्रह कर दो, ठीक है, यहाँ पाँच से करो ग्यारह पच्चे पचपन। अब आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, हमने क्या बताया था, इतना करने पर आपको लाइन खींचना पड़ेगा, डन। अब कौन सा बराबर है, यहाँ पे देखो एक सौ वाला बराबर बीस सिक्स यहाँ पे, बीस सिक्स यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन क्या इनका इनका चिन्ह सेम है, कटेंगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको घटाने पर, जब चिन्ह सेम नहीं होगा इसको अपने बराबर किया, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर, ओके, याद रखिए कॉन्सेप्ट, जब चिन्ह सेम नहीं होगा जिसको अपने बराबर के, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह बदलो, यहाँ प्लस है ना, दिखता नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ना सामने कुछ नहीं, तो प्लस है यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि सेम चिन्ह हो गया, सेम है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या पंद्रह वाई यहाँ पे कितना, आठ वाई, ठीक है, पंद्रह से आठ घटाओ, सात वाई बचेगा, कौन संख्या बड़ी, ये वाली बड़ी, सामने कौन चिन्ह, माइनस का, हमने क्या बताया, अब ये अब आपको ये चिन्ह नहीं देखना, ये वाला चिन्ह देखना है कि माइनस सात वाई हो जाएगा, बराबर लगा लो, ये कितना है, पचपन में से अड़तालीस चला जाएगा, कितना बचेगा आपका, सात बचेगा, संख्या कौन सी बड़ी है, पचपन, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ओके। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, क्या बर्बाद हो जाएंगे, क्या बचा आपका, सात वाई बराबर सात बचा आपका, ओके। हमने क्या बताया था, जो वेरिएबल्स होता है वो अकेला रहता है, ठीक है, इसको इधर भेज देगा, तुम भाई तुम इधर चले जाओ, तो वाई इधर रहेगा, सात यहाँ पहले से इधर गुड़े में इधर आएगा, तो बटे में सात सात बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। वाई का मान कितना है, हमने क्या जब सब कुछ कर जाता है वहाँ पे आंसर कितना आता है, एक आता है, ठीक है, वाई का मान कितना है आपका, एक आ गया, ठीक है। अब इसका मान कहाँ रखोगे, अब एक्स का मान निकल का है, वाई का मान, सॉरी ये वाई का मान है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का मान, तो यहाँ पे रख दो भैया, वाई का मान यहाँ लिखो, चाहे एक में रखो चाहे दो में, राइट, एक्स का मान आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए जरा सा कि भैया वाई का मान, वाई का मान कहाँ रखने पर, चाहे जहाँ रखो, चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दो, मर्जी आपकी, एक में रखने पर रख दें। चलिए भैया एक क्या समीकरण, ये वाला आपका यहाँ पे लिख डालो, पाँच एक्स प्लस दो वाई बराबर बारह है आपका। हमने क्या निकाला, वाई का मान एक निकाला, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे वाई दिखे वहाँ पे क्या रख दो, एक रख दो, रखिए जरा से यहाँ पे, पाँच एक्स प्लस वाई दिख रहा है यहाँ पे, क्या निकालो, वाई का मान एक निकाले, एक यहाँ पे रख दो बराबर बारह, पाँच एक्स बारह दो एक कम ये दो हो जाएगा आपका, इधर आपका बारह बारह ही रहेगा, डन। और आगे चलते हैं, दो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, पाँच एक्स बराबर बारह, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक, कितना बचेगा आपका, पाँच एक्स बराबर बारह में दस, बारह में दो जाएंगे दस बचेगा आपका, इधर ये क्या बंदा गुणे में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है, दस बटे पाँच हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाँच दूनी दस हो जाएगा आपका, एक्स का मान कितना आया आपका, दो आया, ठीक है, ओके। ऐसा हम लोग करते हैं सवालों को, देखो यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, ये ऐसा था, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे यहाँ आए, डन, ओके, थैंक यू।